हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली पिछली वीडियो में आपने कुछ प्रोजेक्ट्स के कॉन्सेप्ट देखे थे, तो इस वीडियो में आपको एक और प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ जो कि आपका रेस्टोरेंट के ऊपर होगा, होटल और टू बी रेस्टोरेंट। बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्रिएट करने वाले रेस्टोरेंट एनालिसिस एंड बुकिंग सिस्टम। क्लियर? सो बेसिकली हमने दो पार्ट कंप्लीट किए हैं। बुकिंग सिस्टम जो कि आप वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, और आपका जो एनालिसिस पार्ट है वो आप मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन, पावर बीआई और आप लाइब्रेरीज के थ्रू कर सकते हैं। क्लियर? तो बेसिकली मैं ये स्टार्ट करूंगा, कौन कौन से आप मॉड्यूल कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि बुकिंग आप जो है वो कवर करेंगे। जो भी कोई कस्टमर है वो आपके रेस्टोरेंट में आने से पहले कोई बुकिंग देना चाहता है तो आप बुकिंग सिस्टम दे सकते हैं, पर्टिकुलर डेट वाइज और टू बी इन अ डेट टाइम स्लॉट दे सकते हैं। टाइम स्लॉट के अंदर भी आप टेबल साइज दे सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप बुकिंग आप कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर सीट की। क्लियर? तो इस तरीके से आप बुकिंग सिस्टम देंगे जो कि आप वेबसाइट के थ्रू करेंगे। मे बी विद द हेल्प ऑफ आप पीएचपी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आप दूसरी डोमेन पर भी जा सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आता है आपका एडमिन पैनल। आप जो बुकिंग करेंगे वो पर्टिकुलर एडमिन को भी दिखनी चाहिए। क्लियर? पर्टिकुलर जो एडमिन बुक किसी कस्टमर ने बुक किया इस पर्टिकुलर डेट में, तो उसको आप कंफर्म करेंगे कि या आप देख लेंगे कि इस पर्टिकुलर डे पे ये आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद इसी पर्टिकुलर डेटा के बेसिस पे आप क्या करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे। क्लियर? सो बेसिकली डेटा एनालिसिस होगा क्या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, मैं चाहता हूँ कि मेरे संडे के दिन जो कस्टमर्स हैं वो ज्यादा आते हैं, तो उसके बेसिस पे आप डेटा एनालिसिस थ्रू क्या कर सकते हैं, आपके स्टाफ की डिमांड बढ़ा सकते हैं, आपका जो फूड है उसको आप ज्यादा क्वांटिटी में स्टोर करके रख सकते हैं कि आप जो भी आप पर्टिकुलर डिशेज जो भी आप डिशेज प्रोवाइड करते हैं उसको आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आता है आपका डेटा प्रिडिक्शन। क्लियर? डेटा प्रिडिक्शन में क्या हो सकता है, यदि आपने ये यूज किया, इतने दिन में आपके ये आते थे, तो आप अगले हफ्ते आपका प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं, अगले महीने आप प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा यू कैन जस्ट प्रेडिक्ट द नेक्स्ट कमिंग डेटा और नेक्स्ट कमिंग पीपल्स आर कस्टमर, तो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा यू कैन प्रेडिक्ट द सम वैल्यूज। क्लियर? तो इस तरीके से आप प्रेडिक्शन भी पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने एक पर्टिकुलर टास्क को, एक प्रोजेक्ट को कुछ मॉड्यूल्स में कवर किया, बुकिंग सिस्टम, एडमिन पैनल, डेटा एनालिसिस एंड डेटा प्रिडिक्शन। क्लियर? इसके बाद आता है आप टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज करेंगे। एज वी प्रीवियसली डिस्कस, फ्रंट एंड आपका मस्ट है, उसके लिए आपको एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का यूज करना होगा। फ्रंट एंड के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ ज्यादा, जो भी आपके यूजर्स होंगे वो आपके फ्रंट एंड के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आएंगे, उस पर कम्युनिकेट करेंगे, बुकिंग करेंगे। फ्रंट एंड के बाद आता है आपका बैक एंड। किसी भी पर्टिकुलर कस्टमर ने यदि आपका जो फॉर्म है वो भरा, यदि उसने बुकिंग पर कोई भी डेट वाइज बुकिंग करी, स्लॉट वाइज बुकिंग करी, तो वो पर्टिकुलर बुकिंग आपके एडमिन पैनल पर कैसे आएगी, तो उसके लिए आप लैंग्वेज करेंगे, बैक एंड लैंग्वेज यूज करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पीएचपी। क्लियर? तो बैक एंड की कनेक्टिविटी एसक्यूएल के साथ आप पीएचपी के थ्रू करेंगे। उसके बाद आता है आपका डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। यहाँ पर ये स्पेलिंग डेटा विजुअलाइजेशन है। क्लियर? तो विजुलाइजेशन आप कंप्लीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई और टू बी अल्टरनेटिव ऑप्शन गूगल एनालिटिक्स, टेबलू, और यदि आप वेबसाइट में जाना चाहते हैं तो आप इसमें पाइपलॉट यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं, पाइथन के अंदर आपको प्रोवाइड होती है। स्ट्रीमलेट के अंदर भी आप बहुत अच्छा डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ कैटेगरिकल ऑप्शन दे सकते हैं कि आप ये पर्टिकुलर सिलेक्ट करते हैं तो आपका डेटा है उसमें चेंजेस आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप स्ट्रीमलेट के थ्रू डेटा विजुलाइजेशन कर सकते हैं। अब एनालिसिस क्या होगा, आपका जो डेटा है उसके बेसिस पे आप कुछ इंसाइट्स निकालेंगे, मे बी विद द हेल्प ऑफ पांडास आप कर सकते हैं डेटा एनालिसिस। तो मैं ये आपको ईडीए परफॉर्मेंस होता है उसमें आप डेटा एनालिसिस करेंगे, कुछ आउटलाइट्स निकालेंगे, कोई भी जो पर्टिकुलर डेटा है उसमें आपने किसी ने भर दिया कि आप जो टेबल साइज है वो 70 डाल दिया या 10 डाल दिया, बट आपके यहाँ पर टेबल साइज है वो 6 तक ही है, तो उसके हिसाब से आपके डेटा को आप ईडीए परफॉर्म करके उसको एनालिसिस करके उसको आप अच्छा करके उसके बेसिस पे विजुलाइजेशन करेंगे। क्लियर? उसके बाद यदि आपको प्रिडिक्शन मॉडल बनाना है तो उसके लिए आप मशीन लर्निंग यूज कर सकते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्री, बहुत सारे प्रकार के सुपरवाइज अनसुपरवाइज एल्गोरिथम्स है, तो उनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ डेटा। क्लियर? प्रीवियस डेटा। तो ये आपके कुछ टेक्नोलॉजी यूज है जो कि आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए करेंगे। उसके बाद आता है फ्रंट एंड में मैंने आपको बता ही दिया है एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप। बेसिकली एचटीएमएल आप आपको जो आपका स्ट्रक्चर है आपकी वेबसाइट के लिए, उसके अंदर फॉर्म्स होंगे, उसके अंदर बटन्स होंगे, उसके अंदर आपका जो नेविगेशन बार होगा, उसके अंदर आपका लॉग इन पेज होगा, लॉग इन पेज के अंदर इनपुट वैल्यूज होंगी, यूजर नेम ले रहे हैं आप, पासवर्ड ले रहे हैं तो इनपुट के थ्रू बटन के थ्रू सबमिट करेंगे, तो सारा का सारा स्ट्रक्चर आपका टेक्स्ट के थ्रू आएगा एचटीएमएल के थ्रू। क्लियर?
उसके बाद आता है आपका जो पर्टिकुलर आपने टैग लिखे उनको आप डिजाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। क्लियर? मान लीजिए आप बैकग्राउंड कलर ब्लू चाहते हैं, जो भी आपका कंसर्न है, तो आप डिजाइनिंग के परस्पेक्टिव के लिए सीएसएस यूज कर लेंगे। उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि कुछ उसमें जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटीज आए, लाइक यदि आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो पॉपअप आना चाहिए, लाइक अलर्ट आना चाहिए, तो ये सब आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू रन कर सकते हैं। उसके बाद आता है लाइक आपका बूटस्ट्रैप। बेसिकली बूटस्ट्रैप क्या करता है, बूटस्ट्रैप आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाता है। यदि मैं बात करूँ कि रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, तो रिस्पॉन्सिवनेस बेसिकली होती क्या है कि आप किसी भी वेबसाइट को किसी भी डिवाइस में खोलते हैं, लाइक यदि आप मोबाइल फोन में खोलते हैं तो आपको मोबाइल फोन के टाइप में दिखेगी, यदि आप उसको लाइक टेबलेट में खोलते हैं तो टेबलेट में दिखाई देगी, एक प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाई देगी, और यदि आप उसको लाइक सिस्टम पे खोलते हैं अपने, तो वो सिस्टम पर आपकी अच्छे तरीके से दिखाई देगी। क्लियर? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने पर्टिकुलर डेटा को क्या कर सकते हैं, जो आपका लाइक आप जो चाहते हैं डेटा, लाइक आप डेटा से मेरा कंसर्न ये है कि आप चाहते हैं कि आपकी बुकिंग इस तरीके से हो, ठीक है, तो उस तरीके से आप ये फ्रंट एंड के थ्रू उसको शो कर सकते हैं। तो आप उसके बाद आप आएंगे लाइक बैकएंड के ऊपर। तो बैकएंड के लिए मैं कनेक्टिविटी के लिए लैंग्वेज लूंगा पीएचपी। क्लियर? पीएचपी के बाद आपका जो डेटाबेस होगा वो एसक्यूएल होगा। एसक्यूएल के बाद आप सर्वर यूज करेंगे जैम। क्लियर? तो इन पर्टिकुलर तीन चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद मैं बोलूंगा कि आप बैकएंड पर इजिली ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? पीएचपी में आपको लाइक हाउ टू लाइक पुटिंग अ वैल्यू, और लाइक आपकी क्वेरीज का यूज करके आप डेटा को अपडेट करेंगे, डेटा को लाइक सेव करेंगे, डिलीट करेंगे, तो ये सारी फंक्शनलिटीज आप ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका पीएचपी का पार्ट हो गया। उसके बाद यदि एसक्यूएल की बात करूँ, तो सिंपल आपके लाइक टेबल्स बनाना, उसके अंदर रो कॉलम्स आप क्रिएट करना, प्राइमरी की बनाना, उनके अंदर वेरिएबल डिसाइन करना कि किस टाइप का डेटा आएगा, तो ये सब आप एसक्यूएल के थ्रू करेंगे। क्लियर? डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसके अंदर फिर टेबल्स क्रिएट करेंगे, उसके अंदर फिर आप रो कॉलम से उसको क्रिएट करेंगे। क्लियर? उसके बाद जैम्प, ये एक सर्वर है जो कि आपको लोकल होस्ट पे रन करने के लिए प्रोवाइड करेगा। क्लियर? उसके बाद मैं बात करता हूँ लाइक एनालिसिस के लिए क्या क्या यूज करेंगे, आप पावर बीआई यूज करेंगे, एसक्यूएल यूज करेंगे और पाइथन यूज करेंगे। क्लियर? यदि मैं बात करूं पावर बीआई क्यों यूज करने वाले, बेसिकली आप किसी भी डेटा को विजुलाइज करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइक पाई चार्ट, बार चार्ट और टू बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ट, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं पावर बीआई। क्लियर? उसके बाद आता है आपका एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर आप लाइक क्वेरीज चलाकर निकाल सकते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर रीजन का डेटा चाहिए, तो इसका आप मे बी यदि आप चाहते हैं तो पांडास के थ्रू आप लाइक अपने कंडीशनल ऑपरेटर्स का यूज करके, लाइक आप ऑपरेटर्स तो जो थे आपके उनके यूज करके आप वहां पर भी डेटा को कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आता है आप लाइक आपका पाइथन। पाइथन के अंदर आप बहुत सारी मेथड्स का यूज करेंगे, लिस्ट का यूज करेंगे, टपल का यूज करेंगे, सेट, डिक्शनरी एंड ऑल, आप डेटा एनालिसिस के थ्रू ये कंप्लीट कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस एंड विजुलाइजेशन। क्लियर? उसके बाद आता है आपका प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। उसके लिए आपको मशीन लर्निंग के सारे एल्गोरिथम्स का नॉलेज होना चाहिए, लाइक आप किस तरीके के डेटा के काम करते हैं उसके बिहाफ पे आप जो आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद आता है आपका पाइथन। बेसिकली पाइथन मशीन लर्निंग के कोड करने के लिए आपको यूज होगा, लाइक फॉर लूप चलाना है या पर्टिकुलर किसी लाइब्रेरी को यूज करना है। हाँ, तो ये आपका पाइथन यहाँ पर मस्ट है। उसके बाद आता है आपका फ्रेमवर्क, जो कि आप लाइक आपने जो मशीन लर्निंग मॉडल बनाया उसको आप डिप्लॉय करना चाहते हैं ऑन द वेब पोर्टल, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा किसका, फ्रेमवर्क का, जो कि आपका है फ्लास्क, जो कि आपको प्रोवाइड करता है वेब इंटरफेस। क्लियर? उसके बाद यदि मैं बात करूं जुपाइटर नोटबुक। क्लियर? जुपाइटर नोटबुक एक टूल है जो कि आप यूज करेंगे फॉर राइटिंग अ कोड ऑफ पाइथन, फॉर लाइक ट्रेनिंग अ मॉडल और टू बी आर स्प्लिटिंग अ डेटा, एनी काइंड ऑफ लाइक क्वेरीज और टू बी आर डेटा यू कैन रन ऑन द जुपिटर नोटबुक। क्लियर? उसके बाद आता है आपका लाइक वीएस कोड। वीएस कोड आपका लाइक टूल ही है जिसके अंदर आप जो फ्रेमवर्क है, लाइक जो आपका फ्लास्क का कोड है, पाइथन का कोड है, उसको आप रन कराएंगे, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वीएस कोड का यूज करेंगे। क्लियर? सो ये हमारा प्रोजेक्ट का लाइक कुछ डिस्क्रिप्शन है जो कि हम इन फ्यूचर क्रिएट करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी। बाय बाय।